मरवाही में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चाय चौपाल की शुरुआत की है। इस शुरुआत में ही इस पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल मंत्री जयसिंह अग्रवाल के निर्देश पर शुरू हो रही चाय चौपाल के फ्लैक्स में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के ना तो नाम का जिक्र है ना उनका फोटो फ्लैक्स पर है। और इसको लेकर पेंड्रा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास ने आपत्ति जताई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन मनोज गुप्ता ने बताया कि महंत एक संवैधानिक पद पर हैं और इसके चलते उनका नाम और फोटो इस पर नहीं है। वहीं श्रीवास ने कहा है कि विपेंड्रा में महंत की फोटो लगाएंगे क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बवाल के बाद जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने पेंड्रा ब्लॉक में होने वाली चाय चौपाल की जिम्मेदारी बदल सिंह और भरत यादव को दे दी है। चाय चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया जाना है। कांग्रेस के लोग एक जन चौपाल चाय चौपाल के रूप में गांव में जाएंगे और प्रत्येक गांव में जाकर के उन किसानों की बात, मजदूरों की बात, जो समस्या से ग्रसित हैं उनकी बात सुनेंगे और उन बातों पर को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए ये जन चाय चौपाल का आयोजन किया गया। और हमारे सहयोगी इस वक्त शरद जुड़ रहे हैं सीधे हमारे साथ में। शरद, शुरुआत में एक विवाद इस पे खड़ा हो गया, विवाद में कितना दम था? दूसरी बात ये कि क्या इसका उद्देश्य है चाय चौपाल का और क्या कामयाब होती दिख रही है मुहिम? बिल्कुल, चाय चौपाल का जो उद्देश्य था कहीं ना कहीं ग्रामीण समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत होना, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जवाबदेही तय करना। क्योंकि मरवाही विधानसभा उपचुनाव होना है, लिहाजा यहाँ के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल की मंशा के अनुसार चाय चौपाल कार्यक्रम फिक्स किया गया था। इसका मकसद यह था कि गांव-गांव जाकर चौपाल लगाई जाए, 15 दिनों में इन चौपाल में जो आने वाली समस्याओं का उसका निराकरण किया जाए। इससे न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गांव में पैठ बढ़ेगी बल्कि आचार संहिता लगने से पहले वहां की आवश्यकताओं से अवगत होंगे, लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे और उनका समुचित निराकरण किया जा सकेगा। पर पहले ही दिन जो विवाद हुआ वो एक फोटो को लेकर हुआ, चूंकि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एक नेता की फोटो लगाना चाहते थे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने उन नेता की फोटो केवल इस वजह से नहीं लगाई थी कि क्योंकि वो संवैधानिक पद पे थे, जिनका नाम है चरणदास महंत। इसी बात को लेकर खूब दोनों के बीच विवाद हुआ और अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को इस जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए उनकी जगह दो लोगों को डिप्यूट किया है, बदल सिंह अरमो और भारत यादव। ये दोनों अब पेंड्रा ब्लॉक में चाय चौपाल जो है उसका आयोजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है ये एक मनमुटाव जो लगातार कांग्रेस में बार बार सामने आ रही खेमेबाजी और मनमुटाव वो उसका एक परिणाम है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे ये मुहिम किस तरह रंग लाती है, क्योंकि अगर उद्देश्य है लोगों के करीब जाना तो क्या ऐसे में अपनों का ये मनमुटाव कहीं लोगों से उनको दूर ना कर दे, समस्याओं से विलख ना कर दे। शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, जानकारी के लिए।